मेरे कहानी का शीर्षक है छिपता नहीं झूठ। एक घुड़सवार अपने गुस्सेल घोड़े को बचाने के लिए बाजार ले जा रहा था। चलते चलते उसे भूख लगी और वह खाना खाने के लिए एक बाग में रुक गया। उसने एक पेड़ से घोड़े को बांध दिया। घोड़ा पेड़ के नीचे लगी घास को खाने लगा और घुड़सवार भी खाना खाने लगा। तभी एक व्यक्ति अपने गधे के साथ आया और उसी पेड़ पर अपने गधे को बांध दिया। यह देख घोड़े का मालिक बोला, भाई अपने इस गधे को इस पेड़ पर मत बांधो, मेरा घोड़ा बहुत ही गुस्सेल है, वह तुम्हारे इस गधे को मार डालेगा। गधे का मालिक बोला, यह पेड़ केवल तुम्हारा नहीं है और मैं इस पर ही अपना गधा बांधूंगा। घोड़े का मालिक बोला, यदि तुम मेरी बात नहीं मानोगे तो तुम खुद इसके जिम्मेदार होगे। गधे का मालिक नहीं माना और गधे को उसी पेड़ पर बांध कर चला गया। घोड़े ने उस गधी को लात मार कर नीचे गिरा दिया। इससे पहले कि घोड़े का मालिक उसे संभल पाता, घोड़े ने लात मार मार कर गधे को मार दिया। तभी गधे का मालिक आया और अपने मरे हुए गधे को देखकर चिल्लाने लगा, अरे ये क्या हुआ, तुम्हारे घोड़े ने मेरे गधे को मार दिया, अब मुझे मेरा गधा लाकर दो, नहीं तो मैं तुम्हें यहाँ से नहीं जाने दूंगा। घोड़े का मालिक बोला, मैं तो तुम्हें पहले ही सावधान किया था पर तुमने मेरी एक बात न मानी, अब इसकी जिम्मेदारी तुम्हारी है। दोनों बहस करने लगे। तभी एक राहगीर यह देखकर उसके पास आया और बोला, तुम दोनों को राजा के दरबार में जाना चाहिए, वहीं न्याय करेंगे। राज के गधे के मालिक से कहा, पूरी बात बताओ, तुम्हारा गधा कैसे मरा? वह बोला, महाराज मेरा गधा और इसका घोड़ा एक ही पेड़ पर बंधे थे कि अचानक इसका घोड़ा पागल हो गया और उसने मेरे गधे को मार दिया। राजा ने घोड़े के मालिक से पूछा, क्या तुम्हारे घोड़े ने ही ये गधे को मारा है? बताओ, तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? क्या यह सच है? बार बार पूछने पर भी घोड़े का मालिक कुछ नहीं बोला। राजा चिल्लाया, क्या तुम बहरे और गूंगे हो? गधे का मालिक अचानक बोला, महाराज यह व्यक्ति गूंगा बहरा नहीं है, पहले तो यह मुझसे खूब चीख चीख कर बोल रहा था कि अपने घोड़े को इधर मत बांधो और घोड़ा इस गधे को मार देगा, अब इसके सामने गूंगा बहरा बनने का नाटक कर रहा है। यह सुन घोड़े का मालिक बोला, महाराज क्षमा करें, यह व्यक्ति बार बार झूठ बोल रहा था, मैंने चुप रहने का नाटक किया जिसने यह अपने मुंह में सच्चाई बोल दे, और इससे ऐसा ही किया। यह सुनकर राजा मुस्कुराने लगे और बोले, इसका मतलब है इसने तुम्हें पहले ही सावधान कर दिया था कि घोड़ा गुस्सेल है, गधे को यहाँ मत बांधो, पर तुमने इसकी बात नहीं मानी और फिर वो अपना गधा वहीं बांध दिया, तुम्हारा झूठ पकड़ा गया है और अब तुम इसके लिए खुद जिम्मेदार हो। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है, झूठ को कितना भी छुपा ले, सच सामने आ ही जाता है और झूठ पकड़ा जाता है। धन्यवाद।